भाजपा के खेमे में बड़ी दरार के साथ कई नेता भाजपा छोड़कर जमीनी स्तर पर तृणमूल में शामिल हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत करते हैं आज की बड़ी खबर। अलीपुर द्वार, भाजपा में बड़ा पतन हुआ है। भाजपा अलीपुर द्वार जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा, भाजपा अलीपुर द्वार जिला महासचिव वीरेंद्र बड़ाउराम, भाजपा जिला सह अध्यक्ष विप्लव सरकार, भाजपा जिला सचिव विनोद मिंज, भाजपा कालचीनी नेता कृपाशंकर जायसवाल और अन्य भाजपा नेता जमीनी स्तर पर तृणमूल में शामिल हो रहे हैं। खबर है कि तृणमूल का प्रदेश नेतृत्व के हाथों से कल तृणमूल में शामिल होंगे। भाजपा के अलीपुर द्वार जिलाध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा ने फोन पर कहा कि हम साथ कल तृणमूल में शामिल हो रहे हैं। गंगा प्रसाद शर्मा ने कहा कि हम कोलकाता में हैं और अभिषेक बैनर्जी से हम पहले ही बात कर चुके हैं, हम कल शामिल हो रहे हैं। हालांकि भाजपा युवा मोर्चा अलीपुर द्वार के जिलाध्यक्ष विप्लव दास ने कहा, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है, हमारे पास कोई खबर नहीं है। विप्लव दास ने यह भी कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी में हैं। तृणमूल के अलीपुर द्वार डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और तृणमूल एसटी सेल राज्य समिति के महासचिव पासंग लामा ने कहा कि भाजपा के साथ शीर्ष नेता पहले ही कोलकाता पहुंच चुके हैं और चार और आज कोलकाता के लिए रवाना हो रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में अलीपुर द्वार में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और उपचुनाव में जॉन बारला ने बढ़त बनाई थी। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अलीपुर द्वार जिले में अच्छा प्रदर्शन किया था। अलीपुर द्वार जिले की 5 में से 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। वहीं बीजेपी ने सभी सीटों पर अच्छे वोटों से जीत हासिल की। बीजेपी के जिला महासचिव सुमन कांजलाल ने कहा, हमें इस बारे में कोई खबर नहीं है। तृणमूल के अलीपुर द्वार जिले के प्रवक्ता सौरभ चक्रवर्ती ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि तृणमूल में कौन शामिल होगा। দেখুন, এটা আমরা শুনলাম, এখনও অবধি সরাসরি গঙ্গাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে আমাদের কথা হয়নি এই বিষয়ে। ফলে স্বাভাবিকভাবে কীভাবে কী প্রক্রিয়া হচ্ছে সেটা আমরা জানি না, আমরা মিডিয়া এবং আপনাদের মাধ্যমেই শুনছি। এটা স্বাভাবিক যে আমাদের জেলা সভাপতি আচমকা তৃণমূলে যোগদানের যে বিষয়টি বলা হচ্ছে সেটা শুনে আমরা রীতিমতন হতচকিত আছি এবং গোটা বিষয়টি না জেনে আমরা এখনই তেমন কোনো মন্তব্য করতে পারছি না। যদি আপনাদের যে বক্তব্য রাখছেন সেটা যদি সত্যি হয় তাহলে সেটা আমাদের পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক, এবং কেন এই ধরনের ঘটনা ঘটল সেই বিষয়ে আমাদের রাজ্য নেতৃত্ব, জেলা নেতৃত্ব তারা পর্যালোচনা করবেন বা করবার চেষ্টা করছেন। এবং ইতিমধ্যে আমাদের গঙ্গাপ্রসাদবাবু জেলা সভাপতি তার সঙ্গেও যোগাযোগের চেষ্টা হচ্ছে। বড়ে বড়ে ভাজপা নেতা সব আপ লোককে তৃণমূল মে জুড় রহে হ্যায়, বতা পায়েঙ্গে? দেখিয়ে, হাম লোগ প্রোটোকল হ্যায় কিছু বোল নেই সকতা, লেকিন আপ লোগ জিস তরহ পুছ রহে হ্যায় तो मैं यही बोलूंगा, अभिषेक हमारा अभिषेक बैनर्जी का आशीर्वाद से, ममता जी का आशीर्वाद से हम लोग जिस तरह डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, हम लोग हारने के बाद में भी, हम लोग अलीपुर डिस्ट्रिक्ट 5 से हारने के बाद भी हम लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, मेदुल गोस्वामी हुआ, गणेश माली हुआ, हैदर अंसारी हुआ, पवनी हुआ, हम लोग जो टीम यानी डॉक्टर सौरभ चक्रवर्ती, हम लोग जो टीम जो काम कर रहे हैं, इस काम को देखते हुए तो इन लोग का जो बीजेपी का मन में एक परिवर्तन आया है, तो उन लोग हम लोग जोगाजोग करके इन लोग का जो लीडर है उन लोग हमसे हम लोग दल में आ रहे हैं, तो हम लोग सबको बोलते हैं वेलकम, वेलकम टू टीएमसी। हम सभी को वेलकम करना चाहते हैं, सभी को वेलकम करना चाहते हैं। ऑलरेडी आपका 7 लीडर कोलकाता पहुंच चुके हैं और 4 जनप्रतिनिधि जहां पहुंचने वाले हैं। तो यही है कि हम तो यही बोलेंगे, हम लोग डेवलपमेंट में विश्वास रखते हैं, ममता दीदी और अभिषेक का आशीर्वाद पर हम विश्वास रखते हैं और हम लोग डेवलपमेंट करना चाहते हैं और इस हमारे इस जो अलीपुर डिस्ट्रिक्ट को मैंने उन्नति का मैंने उन्नति में एक नंबर में ले जाना चाहते हैं। अच्छा, ये भी देखा गया था कि चुनाव से पहले जो टीएमसी में थे वो छोड़ के अचानक मेन वक्त पे दूसरे भाजपा में चले गए थे, उनके लिए क्या बोलेंगे? देखिए, वो सब को गद्दारों का तो मैं बात करना नहीं चाहता हूँ, देखिए उससे मेरा कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें स्पष्ट से निर्देश है, हमारे इस नॉर्थ बंगाल में एक सिलगुड़ी का नेता, जो बेईमान नेता, जो अंत मोमेंट में जिन्होंने पूरा टीएमसी को लूटा, जिसका खामियाजा हमें इस इलेक्शन में भुगतना पड़ा, उस गद्दार नेता, सिलगुड़ी का नेता और एक गद्दार अलीपुर डिस्ट्रिक्ट का नेता, ये दोनों को नहीं लिया जाएगा। मैं उनका नाम को बोलना नहीं चाहता हूं,
और हमारे टीएमसी कार्यकर्ताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग जो दुख में साथ दिए, आप निश्चिंत रहिए, उस गद्दार को दीदी स्पष्ट रूप से बोलिए जिन्होंने 2021 में गद्दार करके जो गया है उन्हें टीएमसी में नहीं लिया जाएगा। कारण उन्होंने 10 साल तक दीदी का नाम को बेच के खाया और टीएमसी को दहेज नहेज किया, तो इसका खमियाजा हम लोग उठा चुके हैं। और इसी का शर्त पे, यही शर्त जो ऑलरेडी 7 जो बड़े लीडर वो पहुंच चुके हैं और 4 लीडर पहुंचने वाले, उन लोगों ने यही शर्त रखा कि वो 2 गद्दार टीएमसी में नहीं होना चाहिए। देखो आज के जरा दल থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সে আপনি শ্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলুন আর অন্যান্য যারা রয়েছে তাদের কথাই বলুন, তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, ব্যক্তি স্বাধীনতা, তারা এই দলে একবার থাকবে, দলে পছন্দ না হলে অন্য দলে যাবে, সেই বিষয় নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। মূলত আমাদের লক্ষ্য এখন রয়েছে 2021 আমাদের 2 মে রেজাল্ট বেরোনোর পর থেকে যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যকর্তাদের উপর আক্রমণ হচ্ছে, নির্যাতন হচ্ছে, বাড়ি ছাড়া রয়েছে, মহিলাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, সেদিকে আমাদের বিশেষ নজর রয়েছে। তাদেরকে বাড়ি ফেরানো, তারা যেন ঠিকঠাক মতো থাকতে পারে, সেদিকে আমাদের নজরটা রয়েছে। সেটা নিয়ে আমাদের বলার কোনো বিষয় নেই। জেলায় তো আপনার ভালো ফলাফল করেছেন, তারপরে এই ভাঙন, 7 জেলার সভাপতি সহ আরও কয়েকজন ইউডিএফ নেতা যোগদান করছে, এরই মধ্যে খবর, কি বলবেন এই বিষয়ে? দেখুন এখন পর্যন্ত আমার কাছে এরকম কোনো খবর নেই যে জেলা সভাপতি সহ 7 বিজেপি ছেড়ে অন্য কোনো দলে যোগদান করছে কিনা, সে বিষয়ে জানলে তারপর আমি সেটা বলতে পারব। নতুন করে সংগঠন কীভাবে আবার সাজাবেন? ভারতীয় জনতা পার্টি সংগঠিত দল, বিশ্বের সর্ববৃহৎ দল, সেজন্য ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা, সমর্থকরা এখনও সাথেই রয়েছে। তারা জানে বাংলাকে বাঁচাতে হলে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রয়োজন আছে, সেই জন্য আমরা নিশ্চিত আগামী দিনে আমাদের সংগঠন মজবুত হবে এবং আমরা লড়াইয়ের ময়দানে থাকব। তৃণমূল কংগ্রেস একটা সর্বভারতীয় দল, এই দলে যোগদানের একটা নিয়ম আছে এবং কাকে দলে নেওয়া হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নেয়। সুতরাং সর্বোচ্চ নেতৃত্ব যে সিদ্ধান্ত নেবে সেই সিদ্ধান্তকে আমরা সবসময় স্বাগত জানাবো। আর এর আগের দিনও আমি বহুবারই বলেছি যে আগামী দিনে বিজেপি দলটাই আমাদের রাজ্য থেকে উঠে যাবে। নিউ কলিম্পং স্টোরস ডিলস ইন বুদ্ধিস্ট রিলিজিয়াস আইটেমস এন্ড জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স হোলসেল এন্ড রিটেইলার মেইন রোড মঙ্গলাবাড়ি জয়গাঁও ডিস্ট্রিক্ট আলিপুরদুয়ার ওয়েস্ট বেঙ্গল কন্ট্যাক্ট +917557891233 +916206656078 +97577848281